हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने ही चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई और एन आईओएस और आईसीएसई बोर्ड, साथ ही साथ 15 स्टेट बोर्ड ने जो प्यायल दाखिल किया था, उस प्यायल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। और आज का दिन आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। और जहाँ तक उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट भी आज फैसला सुना देगी इस विषय में। तो खैर, यहाँ पर मामला क्या है और पूरी तरह से क्या क्या पॉइंट रखा गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। सारे पॉइंट जो है वो वैलिड पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये क्या क्या पॉइंट रखा गया है कि बताया गया साफ साफ कि सारे क्लास जो है वो ऑफलाइन नहीं होके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स ने एक बात मेंशन जो करवाया है वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर जो पटिशनर में कहा गया है कि पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जून से लेकर दिसंबर 2020 में कोई भी क्लास नहीं किया गया, स्टूडेंट को कोई भी क्लास पर प्रोवाइड किया नहीं गया। और 98% स्कूल कॉलेजेस स्टेट सब जो है वो बंद थे, नॉट कंडक्ट एनी ऑनलाइन, यहाँ तक भी क्या है ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं किया गया। तो बच्चे को ये डिमांड, सबसे बड़ी बात उन्होंने करा है कि 100 डेज का ऑफलाइन क्लास करा के बच्चों का, उसके बाद एग्ज़ाम ऑफलाइन अगर करना हो तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम कर सकते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट, बहुत बड़ी पॉइंट है कि ठीक है, हम लोग नहीं डरते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं तो चलिए ऑफलाइन ही देंगे, लेकिन मुझे पढ़ाया जाए, 100 डेज के क्लासेस करा के किया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ गवर्नमेंट ये कह रही है स्टूडेंट से कि आप लोग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट का सिग्नेचर वाला चाहिए। तो ये यानी कोई भी बोर्ड अपने ऊपर इस कोविड के सिचुएशन पर रिस्क नहीं लेना चाहती है, साफ साफ वो पल्ला झाड़ रही है। तो इस पर देखिए क्या वैलिड पॉइंट पर आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसकी सुनवाई है, और आज 2:30 बजे के बाद इसकी सुनवाई शुरू होगी। अभी तक अपडेट यही है, जैसे कुछ अपडेट निकल कर आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको शेयर जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब योर चैनल एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों, जय हिंद।